हैप्पी लाइफ, खुशगवार जिंदगी के बारे में हम सोचते हैं तो अमूमन क्या सोचने लगते हैं कि शायद उसके लिए कोई बहुत बड़ा घर चाहिए, महल नुमा घर हो जिसमें हम रहते हों, आला खाने हों, बेहतरीन लिबास हों, जेवरात हों और करने का कोई काम ना हो। ये जिंदगी तो बड़ी खुशगवार जिंदगी है, लेकिन अगर किसी का घर छोटा है या उसके पास खाने को दो वक्त रोटी नहीं तो शायद उसकी जिंदगी बहुत मिजरेबल जिंदगी। असल बात ये नहीं कि किसको दुनिया की प्रोविजन ज्यादा मिली है, असल बात ये नहीं कि दुनिया की नेमतें किसके पास ज्यादा है, असल बात यह है कि लाइफ के बारे में किसकी अप्रोच क्या है, वो मुख्तलिफ चीजों को किस नजर से देखता है, उन पर उसके अंदर कितना शुक्र है, वो मुख्तलिफ पेश आने वाले वाकयात, हालात और जो तकलीफ दे चीजें हैं उनके बारे में वो क्या सोचता है, उनको वो किस तरह हैंडल करता है, नेमत मिलती है तो किस तरह रिएक्ट करता है, तकलीफ आती है तो किस तरह रिएक्ट करता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास जिंदगी की बेशुमार नेमतें हैं लेकिन वो उनको एंजॉय करना नहीं जानते, वो उनको अप्रिशिएट नहीं करते, वो उन पर खुश नहीं होते, उनके लिए उन नेमतों में कोई एक्साइटमेंट नहीं। हमारे पास जिंदगी की नेमत है, हमारे पास औलाद की नेमत है, घर है, शौहर है, बच्चे हैं, खाना है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम खुश नहीं, तो कमी किस चीज की है? ईमान की कमजोरी है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मोमिन जब उसको कोई खुशी मिलती है, नेमत मिलती है तो वो खुश होता है। तो नेमत पर खुश ना होना ये भी ईमान की अलामत नहीं है, ये भी ईमान की कमजोरी है। और दूसरी सूरत क्या होती है कि इंसान पर कोई तकलीफ आए, तकलीफ आने पर मोमिन का रवैया क्या होता है, वह इन असाबत हु दर्रा असबरा, कि जब कोई चीज उसको हर्ट करती है, कोई चीज उसको तकलीफ देती, किसी चीज में उसको नुकसान होता है तो वो सब्र करता है, वो वावाला नहीं करता, वो शोर नहीं मचाता, वो लोगों को ब्लेम करना नहीं शुरू करता, वो तकदीर को बुरा भला नहीं कहता, वो अल्लाह सुबहान तआला के बारे में बुरे गुमान नहीं करता, वो क्या करता है, सबरा, उसको बर्दाश्त करता है, वो अपने जज्बात को कंट्रोल करता है। आप खुशियां बांटें, खुशियां आपके पास वापस आएंगी, आप तलखियां बांटें, तलखियां आपके पास आएंगी। इसलिए खुशहाल जिंदगी, हैप्पी लाइफ का जो राज है वो लोगों के साथ अच्छा सलूक करने में है, अपने हाथ पांव से भी और अपनी जबान से, अपनी मुस्कुराहट से, जो अच्छा कर सकते हैं उनके लिए अच्छा करें। तीसरी चीज, अच्छी मसरूफियत, डूइंग समथिंग, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना किसी न किसी अच्छे काम में, और वो चाहे कोई सोशल वेलफेयर का काम हो, आम लोगों की भलाई का कोई काम हो, या किसी इल्म का सीखना सिखाना, यानी ये दोनों चीजों में से कुछ ना कुछ जरूर करें, हो सके तो दोनों करें, लेकिन अगर दो नहीं हो सकते तो कम से कम एक जरूर करें। कीप योर सेल्फ बिजी, फारिग नहीं रहें, क्योंकि फारिग रहना शैतानी ख्यालात को दावत देना है, कहते हैं ना कि खाली जहन शैतान का घर होता है, इसलिए मुसलसल कुछ ना कुछ करते रहें। तो खुशियों का राज ये नहीं कि आप दूसरों से खुशियां डिमांड करें कि आओ मुझे खुश कर दो, मेरे लिए कुछ करो कि मुझे खुश करो, नहीं, आप किसी के लिए कुछ करें आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। फिर इसी तरह चौथी चीज, अपने प्रेजेंट पर फोकस करना। हमारी जिंदगी के तीन हिस्से हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम आमतौर पर प्रेजेंट को छोड़कर या पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। पास्ट की बातें याद करते रहते हैं, किस दिन किस मौके पर क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और उसमें भी अच्छा कम सोचते हैं, उन बातों के ऊपर ज्यादा रिग्रेट करते रहते हैं या उन बातों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे साथ कुछ हादसात हो चुके होते हैं, या हमारे साथ कोई तकलीफ दे मौके पेश आ चुके होते हैं, या लोगों के कुछ रवैये होते हैं, और खुसूसन जो हमारे करीब के लोग होते हैं। माजी पर गमगीन न हो, इसी तरह मुस्तकबिल के बारे में हम और फिक्र और एंजाइटी कि फलां काम कब होगा, वो मेरा बेटा डिग्री कब करेगा, फिर उसकी शादी कब होगी, पता नहीं जॉब कहाँ मिलेगी, हाँ कहाँ सेटल होगा, और दिन भर यही फिक्र है, और दिन भर नहीं रात भर भी यही फिक्र है। अब इससे बाहर निकलते नहीं, एक फिक्र खत्म होती है तो एक औरत। इन सब चीजों के बारे में याद रखना चाहिए, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है,
وہ اس سے پہلے نہیں ہونے کی. اگر ہم یہ کہ جلدی ہو جائے, فوراً ہو جائے, ابھی ہو جائے, آج ہو جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو فیوچر میں نہیں, پاسٹ میں نہیں, پریزنٹ میں رہیے, حال میں رہیے. اس وقت کے حال پر غور کیجئے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمت دی, کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے پھر نہیں آئے گا. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, جب گزر جاتا پھر کہتے ہیں ہاں وہ فلان دن بڑا اچھا تھا, مزہ آیا تھا, وہ فلان چیز ایسے تھی, اس وقت آپ نے انجوائے نہیں کیا, اب آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اسی طرح انسان اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے خوف دلانے والے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور وہ اسٹرانگ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کے ذریعے, دعا کے ذریعے, اچھی کمپنی, اچھے دوست. ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچیے جو منفی سوچیں سوچتے ہیں اور آپ کو ڈراتے ہیں اور خوف زدہ کرتے ہیں. بعض وقت آپ کو کوئی چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے, آپ کسی سے ذکر کرتے ہیں, وہ آپ کو ایسی ایسی خوفناک باتیں کرے گا, آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ تو اب زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے. تو ایسے لوگوں سے بچیے, منفی باتیں کرنے والوں سے پرہیز کیجیے, ان سے دور رہیے, اچھی کمپنی اختیار کیجیے تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے. پھر اسی طرح بیلنسڈ لائف گزاریں, ایکسٹریمزم سے پرہیز کریں, یعنی ہر چیز میں ایک اعتدال, محبت میں اعتدال, نفرت میں اعتدال, دینے میں اعتدال, روکنے میں اعتدال, ہر چیز میں اعتدال. جب ہماری زندگی معتدل ہوتی ہے تو خوبصورت ہو جاتی ہے, اور جب اس میں انتہائی رویے ہوتے ہیں تو پھر وہ زندگی بدنما ہونے لگتی ہے اور پریشانیوں کا باعث بنتی ہے. انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی اچھی یا بری زندگی اس کی اپنی سوچ کی پیداوار ہوتی ہے. اگر آپ کی سوچ خوبصورت ہوگی تو زندگی بھی خوبصورت ہوگی, اگر سوچ آپ کی منفی ہے تو زندگی بھی مصیبت کا شکار ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے اور ہم زندگی میں اچھے اچھے گولز اور اچھی اچھی سوچیں لے کر اپنی زندگیوں کا آغاز کریں, اور جو ماضی ہے اس کے برے کو دفن کریں, کیونکہ یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی, یہ ایک ہی دفعہ ملی ہے, اور اس زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنا ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی بہترین ہو, کیونکہ وہاں کی زندگی اصل زندگی ہے, اور وہاں انسان کو وہ ملے گا جس کو وہ تیار کر کے آئے گا اپنے لیے. اگر ہم نے اس زندگی کو ضائع کر دیا تو وہاں کچھ تیاری کا وقت نہ ہوگا. تیاری کا دن آج ہے اور جزا کا دن کل ہے, اگرچہ اچھا کرنے والوں کو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہاں بھی اچھا ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.